देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे रोमानी और क्रांतिकारी शायरों में फैज अहमद फैज का दर्जा सबसे ऊंचा है। एक ऐसा शायर जिसे जितनी शिद्दत से पाकिस्तान में याद किया जाता है, उतनी ही शिद्दत से भारत में भी याद किया जाता है। पूरी दुनिया में उनकी नज़में आज भी रोशनी जैसी हैं। फैज अहमद फैज की नज़्म शायरी और गजलों में बगावती सुर दिखते हैं। बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान में सियासत उभरने लगी तो शुरुआत से ही आम लोगों पर जुल्म होने लगा। तभी से फैज पाकिस्तान की सत्ता के खिलाफ लिखते रहे। लेकिन साल 1977 में जब पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ और सेना प्रमुख जियाउल हक ने सत्ता को अपने कब्जे में लिया, तब फैज की कलम से नज्म निकली, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। पाकिस्तान के तानाशाह जनरल जियाउल हक के खिलाफ 40 साल पहले ये नज्म लिखी गई थी। आज द दिल्ली टॉकीज में ये रोचक किस्सा। सन 1977 में पाकिस्तान के आर्मी जनरल जियाउल हक ने भुट्टो सरकार का तख्ता पलट किया तो फैज ने इसका मुखर विरोध किया। जनरल जियाउल हक एक कट्टर सैन्य तानाशाह का शासन पाकिस्तान में चरम पर था। वो इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान में शोषण कर रहा था और जुल्म ढा रहा था। फैज अहमद फैज एक क्रांतिकारी शायर थे और उन्होंने जियाउल हक के क्रूर शासन के खिलाफ आवाज उठाते हुए ये नज्म लिखी। आज़िम है कि हम भी देखेंगे। पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक द्वारा सैन्य तख्ता पलट के बाद पाकिस्तान का लोकतंत्र लड़खड़ा रहा था। जियाउल हक ने पाकिस्तान में इस्लामीकरण की शुरुआत कर दी थी। पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया था। लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर पहरे थे। आम लोगों की जिंदगी पर पाबंदी थी। फैज के इंतकाल के कुछ साल बाद जब इकबाल बानो ने इस नज्म को अपने अंदाज में गाया तो मानो ये एक विद्रोह और क्रांति की पुकार बन गई। हम देखेंगे। बात सन 1985 की है। जियाउल हक ने मुल्क में कुछ पाबंदियां लगा दी थी जिसमें औरतों का साड़ी पहनना और शायर फैज अहमद फैज के गाने गाना भी शामिल था। इस दम घुटकू माहौल में लाहौर का स्टेडियम एक शाम इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। लोकतंत्र और अपने अधिकारों के लिए जनता ने बगावत का ऐलान किया और इस बगावत और इनकलाब को आवाज दी थी पाकिस्तान की मशहूर गायिका इकबाल बानो ने। साल 1985 में लाहौर के अलहमरा ऑडिटोरियम में जिस दिन ये कार्यक्रम हुआ, इकबाल बानो के मंच पर आने से पहले ही हॉल खचाखच भर गया था। लोग सीढ़ियों पर और जहां भी उन्हें कुछ जगह मिल सकती थी बैठ गए। जियाउल हक के सैन्य तानाशाही के दौरान इस तरह के समारोहों पर सख्त पाबंदी थी। बावजूद इसके इकबाल बानो उस दिन सिल्क की साड़ी पहनकर आई थी और लगभग 50,000 लोगों के सामने फैज की मशहूर नज्म हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे गाना शुरू कर दिया। हम देखेंगे। उन्होंने फैज की कई कविताएं गाई लेकिन सबसे ज्यादा जोश दर्शकों में हम देखेंगे नज्म की प्रस्तुति के दौरान आया। लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तालियों की गूंज के साथ लोग उनके साथ इस नज्म को गा रहे थे। उन्होंने संगीत कार्यक्रम समाप्त किया लेकिन दर्शकों ने उन्हें जाने से मना कर दिया और नज्म हम देखेंगे के दोबारा गाने की फरमाइश करने लगे। इकबाल बानो को श्रोताओं के इनकलाब जिंदाबाद के नारों के कारण बीच बीच में बार बार इस नज्म को रोकना पड़ा था। जब इकबाल बानो ने खासकर ये पंक्तियां सब ताज उछाले जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए
सब तख्त गिराए जाएंगे, गाया तो ऑडिटोरियम इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इस नज्म को सुनने के बाद देश के युवा जियाउल हक के तानाशाही शासन के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। इकबाल बानो ने नज्म गाकर पाकिस्तान की सियासत को हिलाकर रख दिया था। पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक के शासन के दौर के आखिरी दिनों में फैज की नज्म लाजिम है कि हम भी देखेंगे उनका ट्रेडमार्क बन गया था। इकबाल बानो के इस कंसर्ट के बाद उसी रात पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने आयोजकों और कई प्रतिभागियों के घरों पर छापा मारा और कॉन्सर्ट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग की कॉपियां जब्त कर ली। लेकिन अलहमरा ऑडिटोरियम के एक तकनीशियन ने चुपके से इकबाल बानो को उस वक्त नज्म गाते हुए रिकॉर्ड कर लिया और ये वही रिकॉर्डिंग है जो आज भी बची हुई है, जिसे बाद में कॉपी करके व्यापक रूप से वितरित किया गया। इकबाल बानो को टेलीविजन या सार्वजनिक रूप से गाने पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया था, हालांकि इन प्रतिबंधों ने उन्हें और अधिक प्रसिद्ध बना दिया। वहीं आगे चलकर यह नज्म उनकी ट्रेडमार्क बन गई। जब इकबाल बानो ने शायर फैज की इस नज्म को अपने अंदाज में गाया तो मानो यह नज्म एक विद्रोह और क्रांति की पुकार बन गई। इकबाल बानो ने 50,000 लोगों की मौजूदगी में हम देखेंगे नज्म को गाकर इसे अमर बना दिया। तब से लेकर आज तक इसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों में कई गायक अपनी आवाज दे चुके हैं। इस नज्म को सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।